पापा 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 टीचर ने कोरोना पे ऐसे लिखने को बोला था, मैंने लिख लिया, आपको सुनाऊं? सुना। कोरोना एक नया त्योहार है जो होली के बाद आता है। इसके आने पे बहुत सारे दिन की छुट्टियां हो जाती हैं। सब लोग तानी और थाली बजा के और खूब सारे दिए जला के इस त्योहार की शुरुआत करते हैं। स्कूल और ऑफिस सब बंद हो जाते हैं, सब लोग मिलकर घर पर ही रहते हैं। मम्मी रोज नए नए फूड आइटम्स बना के फेसबुक पर डालती हैं और पापा बर्तन और झाड़ू पोछा करते हैं। कोरोना का त्योहार मास्क पहनकर और नमस्ते करके मनाया जाता है। इसके अलावा एक कड़वा काढ़ा भी पीना होता है। इस त्योहार में नए कपड़े नहीं पहने जाते, पापा कच्छा और बनियान पहनते हैं और मम्मी गाउन पहनकर ही इस त्योहार को सेलिब्रेट करती हैं। इस त्योहार में हाथों को दिन में 10-20 बार धोना पड़ता है और सैनिटाइजर भी किया जाता है। गर्म पानी का गार्गिल और भाप भी लेना होती है। बाकी त्योहारों में जैसे हाथ मिलाना, हाथ मिलाकर गले मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस त्योहार में एक दूसरे से दूरी बना के रखना पड़ती है। बजाय खुशी के डर का माहौल रहता है। बाहर का खरीदा हुआ हर सामान, साग सब्जी, धोकर या सूखे सामान को एक दिन रख के दूसरे दिन काम में लिया जाता है। इस त्योहार में हमें सावधानियां रखना सिखाया जाता है। इस त्योहार में जब भी कोई फोन करता है वो कोई ना कोई उपाय और दवाई जरूर बताता है कोरोना की, जैसे वो कोरोना का बहुत बड़ा डॉक्टर हो। और वेब सीरीज की तरह इसके कोरोना के भी सीजन होते हैं।